नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चाट आज हम बनाएंगे चने से। व्हाइट वाला चना ले लिया है, इसे छोला भी बोलते हैं। देखिए, इसे हमने 6-7 घंटे भिगोने के बाद कुकर में 2 सीटी लगा के इसे अच्छे से पका लिया है। देखिए, दबाने पे ये ऐसे सॉफ्ट हो रहा है, 2 सीटी लगाया है बस। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एक कटोरी ले लेंगे हम, इसमें हम सभी ड्राई मसाले को मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेंगे जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। नमक लेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाले पाउडर। एक पैन ले लिया है हमने, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, और डालेंगे 2 पिंच हींग। जीरा और हींग जैसी हमारा भून जाए, हम इसमें डाल देंगे ये जो ड्राई मसाले को हमने मिक्स करके रखा था उसे। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम मसाले को 1 मिनट भूनेंगे। इस तरीके से अगर आप चाट बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। मैं जब भी चाट बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ। जैसे मसाले से साइड से तेल अलग होने लगे तब हम डाल देंगे यहाँ पे छोले। मसाले हमारा भून गया है, आप देख सकते हैं साइड से तेल अलग हो रहे हैं। इसी स्टेज पे डाल देंगे हम छोले। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम 2-3 मिनट इसे मसाले के साथ भूनेंगे। इससे जो छोले में मसाले है हमारा अच्छे से कोटिंग हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हम इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए छोले को भून लेंगे। और फिर अगर आप चाट में आलू डालना चाहें तो एक आलू आप छोटे छोटे टुकड़ों करके डाल सकते हैं, बॉयल आलू। तीन मिनट हो गए, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मसाले हमारा सभी चने में अच्छे से कोट हो चुका है, तो बंद कर देते हैं गैस का फ्लेम। और देखिए, एक एक छोले में हमारा मसाले कोट हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। थोड़ा सा हम ठंडा होने के बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। छोले हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें कुछ चीजें मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। एक टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है, डाल देंगे। 2 हरी मिर्च, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप करें। 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाले, 1/2 चम्मच डालेंगे काला नमक,
और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे सफेद नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे ऐड कीजिएगा। कटे हुए हरा धनिया और सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे एक नींबू का रस। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। एक चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। हमारा चटपटा चना चाट बनके तैयार है। बड़ों के साथ ये बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। एक बार आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। लीजिए, अच्छे से हमने इसे मिला लिया है। अब हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही चटपटा चाट बनके हमारा तैयार हुआ है। थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे हम कटे हुए प्याज। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे चना चाट बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के साथ आपको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।